हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी रेसिपी जिसको बड़े तो क्या बच्चे भी बहुत प्यार से खाएंगे। तो अगर आपके बच्चे पालक खाना पसंद नहीं करते हैं तो इस पालक के भजिए की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। इसको बनाना बहुत ही आसान है और ये बनने के बाद बच्चों को बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इसकी रेसिपी। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेंगे बड़ी बॉल या कटोरी, और यहाँ पर मैंने 3 से 4 मीडियम साइज के प्याज को काट लिया इस तरह से बारीक। उसके बाद हम यहाँ पर ऐड कर देंगे आलू, जिसको मैंने बड़े वाले ग्रेटर से कद्दूकस कर लिया था और उसके बाद इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। यहाँ पर 2 मीडियम साइज का आलू लिया था मैंने, तो उसको भी हम इसे ऐड कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर डाल देंगे 2 से 3 हरी मिर्च कटी हुई। यहाँ मिर्च की क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा कर ले, बच्चों के लिए बना रहे हैं तो कम मिर्च डालें। और फाइनली हम यहाँ पर डाल देंगे पालक, जिसको मैंने वॉश करके अच्छे से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इसे भी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। आप चाहे तो यहाँ पर पालक या फिर आलू या फिर प्याज, इन तीनों में से किसी भी चीज़ को आप स्किप कर सकते हैं। और फाइनली मैंने यहाँ पर 2 से 3 बड़े चम्मच अजवाइन ले लिया, जिसको हम ऐसे क्रश करके डाल देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर ले लेंगे करीब आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और 2 बड़े कप बेसन के, और इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम यहाँ पर पानी ऐड नहीं करेंगे, पहले इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये मैंने अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है। तो ये जो मिक्सर है, थोड़ा मुझे बेसन कम लग रहा है इसमें, तो मैं 1 कप बेसन और ऐड कर लूँगी और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स करने के बाद जो हमारा मिक्सर है वो थोड़ा सा ड्राई लग रहा है, तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी हमें ऐड करना है, और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम इसे अच्छा सा मिक्सर बना लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मिक्सर बन गया है। तो इसमें हम स्वाद के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे और इसे फिर से एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और एक तरफ चढ़ा देंगे कढ़ाई और उसमें डाल देंगे कुकिंग ऑयल डीप फ्राई के लिए। और जैसे ही तेल गर्म हो जाए, हम छोटे छोटे बॉल्स भजिए के इसमें डाल देंगे। तो एक बार में आपकी कढ़ाई में जितनी भजिए आ जाए, आप उतनी भजियों को डीप फ्राई कर लें। तो इस तरीके से पलटते हुए हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को मीडियम टू हाई रखेंगे, लो फ्लेम पर हमें भजियों को नहीं तलना है, वरना ये तेल पी लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो भजिया है बिल्कुल तलकर रेडी हो चुका है। तो इसी तरीके से हम अपने सारे भजियों को डीप फ्राई कर लेंगे और उसके बाद इसे सर्व कर देंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, ये रेडी हो चुकी है बहुत ही स्वादिष्ट हमारे पालक भजिया, जिसको बनाना बहुत ही आसान। तो आप इसे अपने मनपसंद डिप के साथ इंजॉय करें, या फिर आप टोमेटो केचप के साथ भी इसे इंजॉय कर सकते हैं। ये किसी के साथ ही बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बाहर से ये कितने क्रिस्पी लग रहे हैं और इसका कलर भी बहुत ही प्यारा आया है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो एक लाइक ज़रूर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसको आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपके बच्चे पालक खाना पसंद नहीं करते हैं तो इसे उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे। तो ये मैं आपको एक तोड़ कर दिखाती हूँ, देखिए कितना कलरफुल लग रहा है। तो इसका एक बाइट आप भी ले लीजिए फ्रेंड्स। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।